देखिए आप मुंडला रोड की हालत देखिए, ये यहाँ से ये रोड और उसके आगे पसी आई हुई है। रोड बिल्कुल बंद हो गया हुआ है और अभी तक PWD वाले की तरफ से कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं लिया गया हुआ है। रोड कम्प्लीटली क्लोज है और पिछले 4 दिन से यहाँ पे ऐसा ही बना हुआ है रोड, ना कोई गाड़ी बाइक जाने की कोई संभावना नहीं है। देखिए रोड बिल्कुल कम्प्लीटली क्लोज हो गया हुआ है, यहाँ पे आने जाने वालों को परेशानी हो रही है और अभी तक PWD की तरफ से कोई यहाँ पे JCB वगैरह नहीं लगाई गई हुई है। तो खराब मौसम के कारण यहाँ पे रोड की बुरी हालत आपको दिखाते हुए स्थानीय लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि अगर यहाँ पे कोई अगर बीमार हो जाता है तो उसको सिर्फ एक ही मात्र रास्ता रह गया है जाने के लिए, और अभी यहाँ पे कोई बसेस, कोई छोटी गाड़ी, बाइक वगैरह हम लेके नहीं जा सकते। इसलिए गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रही है यहाँ पे। देखिए आप रोड बिल्कुल कैसे क्लोज, यहाँ से सिंगल आदमी को जाने के लिए प्रॉब्लम होती है। देखिए हम दिखाएंगे आपको कैसे लोग यहाँ पे अभी अनफुट चल रहे हैं। जैसा कि आपको हम एक परमंडल रोड की हालत बता रहे हैं, जो कि मेन रोड है ये जम्मू जो जम्मू और परमंडल को जोड़ता है। यहाँ पे अभी फिलहाल कोई गाड़ी नहीं चल रही है, रोड बंद होने की वजह से सभी यातायात के साधन बंद हो गए हैं। लोगों को काफ़ी मील पैदल चलना पड़ रहा है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं आज अपनी जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं, काफी मुशक्कत करते हुए ये पैदल यात्रु आ रहे हैं। लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है यहाँ पे, कोई भी गाड़ी का कोई भी सहूलियत नहीं है यहाँ पे। देखिए लोग कैसे पैदल आ रहे हैं, यहाँ पे फंसे जा रहे हैं लोग, मिट्टी में फंसे जा रहे हैं लोग। अरे आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों को पैदल चलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो गाड़ी कैसे चलेगी यहाँ पे। देखिए अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया यहाँ पे, बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है परमंडल के लोगों को। देखिए पाँव, ये आप बिल्कुल रोड है, रोड पे मिट्टी आई हुई है सारी। ये हम यहाँ के लोकलाइट्स कालू खत्री से बात करेंगे, ये बताएंगे हमें कि इस रोड के बारे में। अभी यहाँ बताएंगे कि आपको किस किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे देखो एक लोकल यहाँ का एक अभी रास्ता क्रॉस कर रहा है, आइए हमसे इनसे इनसे बात करते हैं कि इनको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं है। देखिए कि ये यहाँ पे लोकल है, यहाँ पे इसको यहाँ से अभी नौकरी पे जाना है और इनको देखो सुबह से नौकरी पे नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ पे हालत देखो इनकी, ये रोड पे खड़े हैं, बिल्कुल रोड पे, इनका 2-2 फुट नीचे पाऊँ जमीन में धसा हुआ है। हाँ देखिए, हाँ जी कालू जी आप बताइए आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरी की पूरी पहाड़ी रोड पे आ गई हुई है और यहाँ से देखिए कितनी गाड़ियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। ये तो बिल्कुल ये एक मेन रोड है जो परमंडल को जम्मू से जोड़ता है और यही बंद है। अगर देखा जाए किसी को प्रॉब्लम हो जाए इस मौसम में तो कैसे जाएगा वो। देखिए यहाँ पे बावी चौहान जो कि परमंडल के निवासी हैं, इनको अपनी ड्यूटी पे जाना है, अभी सेक्रेट पहुंचना है इनको। तो ये देखो इनकी हालत, हाथ में 2-2 चप्पल जोड़ी उठाई हुई है और छाता पकड़ा हुआ है और अभी 12 बजे हुए हैं। देखिए ये कब पहुंचेंगे सेक्रेट में और कब इनकी यहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी का काम शुरू होगा। देखिए आइए इनसे बात करते हैं, अभी आइए बाबी जी से बात करते हैं हम, इनको देखो हम इनसे पूछते हैं कि आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। देखिए इनकी हालत कैसे चल रही है। आइए बाबी जी आप बताइए कि आपको यहाँ पे रोड के कारण क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर हमें यहाँ से 5 दिन से फंसे हुए हैं। अच्छा। हमें नौकरी पर जाना है, उधर से छुट्टी नहीं है सर, बड़ी मुश्किल है।
रोड की बुरी हालत है, पूरा रोड ही बंद हो गया। हाँ, आप रोड देख रहे हैं, आप रोड बिल्कुल, ये रोड है और यहाँ पे देखो कितनी मिट्टी आई हुई है, नहीं मिला है, ये तो पहाड़ी दिखाई रही है। अच्छा, आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से कोई बात नहीं की इसके बारे में? कोई सर बात तो हो रही है लेकिन उन्होंने स्विच ऑफ रखे हैं अपने। अच्छा, आपने किसी को बात करने की कोशिश की आपने? हमने जेई साहब से बात करने की कोशिश की थी। अच्छा, कल शाम को, लेकिन उनका स्विच ऑफ था सर। ठीक है, तो हम अभी ज्यादा किससे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ये हम बता रहे थे आपको, उपमंडल के पास 2 किलोमीटर आगे संघर्ष का रास्ता है, वो बिल्कुल बंद है, तो उसके आगे हम और चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या रास्ते में प्रॉब्लम्स हैं। जितने भी लोग यहाँ पे अभी पैदल चलना पड़ रहा है इनको।